आइए हम प्रार्थना करेंगे, लेट्स प्रे, और हम आज के वचन में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम में से हर एक व्यक्ति से आप बातें करिए, वचनों को खोल कर आप हमें सिखाइए, और हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु की हर एक व्यक्ति से आप बातें करेंगे, हर एक व्यक्ति को आप प्रकाशन देंगे, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। टॉक टू अस, गिव अस रेवलेशन। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से। हमारी आत्मा को आप खिला रहे हैं, हमारे विश्वास को आप मजबूत कर रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण करें। आमेन। Praise God. Okay. तो आज हम सीख रहे हैं, today we'll be learning, ये पूरा महीना हम पिता के प्रेम या पिता का प्रेम उसके विषय में हम सीखेंगे ये पूरा महीना, क्योंकि ये महीना, जैसे मैंने आपको कलीसिया में कहा कि हम डर के खिलाफ, जो विश्वासियों में विश्वासी लोग जो डरते हैं, वो डर के खिलाफ हम एक युद्ध, we are declaring a war on fear, डर के खिलाफ, डर के विरुद्ध में हम एक युद्ध की घोषणा कर रहे हैं कि विश्वासियों को डरना नहीं चाहिए, कोई भी विश्वासी डरना नहीं चाहिए। प्रेज गॉड। किसी भी कारणवश, किसी भी चीज को लेकर, भविष्य को लेकर, काम को लेकर, विभाग को लेकर, बच्चों को लेकर, किसी भी क्षेत्र में एक विश्वासी को डरना नहीं चाहिए। और उसी विषय में हम सीख रहे हैं, पिता का प्रेम, उसका एक पहलू हम आज देखेंगे। ओके, पिता का प्रेम, फादर्स लव नंबर वन। ओके, इस वचनों को देखिए, पहला योहन्ना 4 उसके 16 में लिखा है, एंड वी हैव नोन एंड बिलीव द लव दैट गॉड हैज टू अस। God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, उसको हम जान गए। मतलब जानना जरूरी है कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। बहुत विश्वासी नहीं जानते हैं कि पिता उनसे प्रेम करता है, इसलिए वचन में लिखा है कि और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, उसको हम जान गए हैं, और हमें उसकी प्रतीति है। मतलब हम सिर्फ जानते नहीं हैं, हम विश्वास भी करते हैं कि पिता हमसे प्रेम करता है। द फादर लव्स अस। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। कई बार एक विश्वासी जब परेशानियों का सामना करता है, कुछ चैलेंजेस को फेस करता है, तो उसको लगता है कि परमेश्वर पिता उससे प्रेम नहीं करता है, लेकिन ये वचन में लिखा है कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, आपका पिता परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। और ये बात को हमें जानना है, और हमें सिर्फ जानना नहीं है, हमें उस पर विश्वास, वी हैव टू बिलीव, हमें विश्वास करना है कि वो हमसे प्रेम करता है। प्रेज गॉड। कई बार हम इसको ऐसा बोलते हैं कि हाँ, पिता तो सबसे प्रेम करता है, सबकी बात नहीं करना है, हम बोल रहे हैं कि पिता आपसे प्रेम करता है, ही लव्स यू। प्रेज गॉड। हम उसको जानते हैं और हम उस पर विश्वास करते हैं कि वो हमसे प्रेम करता है। प्रेज गॉड। ओके, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, उसको हम जान गए हैं, और हमें उसकी उसकी प्रतीति है, या विश्वास हम करते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। प्रेज गॉड। वेरी पावरफुल। नाउ दूसरा वचन जो हम ये पूरा महीना हम भय के बारे में, जैसे मैंने आपसे कहा, डर के बारे में हम सीख रहे हैं, क्योंकि बहुत विश्वासी डरे हुए हैं, दे आर वेरी स्कैर्ड, कुछ ना कुछ विषय को लेकर वो बहुत डरे हुए हैं। और मैंने आपको संडे को कहा कि डर जहर है, इट इज पॉइजन। किसी भी आयु जिस बातों से डरा, वही चीज उसके साथ हो गया, क्योंकि डर विश्वास के जैसा काम करता है। जो आप विश्वास करते हैं आपके साथ हो जाएगा, और जो बात के विषय में आप डरते हैं वही चीज आपके साथ हो जाएगी। प्रेज गॉड।
तो यहां पर लिखा है एक योहन्ना 4:18 में कि प्रेम में भय या डर नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय में या भय से कष्ट या दंड होता है, भय में दंड होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। अभी इसका बोलने का मतलब क्या है? इसका बोलने का मतलब है कि दो चीज यहाँ पर हम देख रहे थे संडे को। सबसे पहले हमने कहा कि प्रेम में भय नहीं होता, मतलब पिता के प्रेम को अगर हम समझें, पिता के प्रेम के सीढ़ियों में अगर हम ऊपर जाएं, पिता के प्रेम की पाठशाला में अगर हम बढ़ते जाएं, तो वो प्रेम में डर नहीं होता। और दूसरा चीज यहाँ पर लिखा है कि जो लोग डरते हैं वो इसीलिए डरते हैं क्योंकि वो पिता के प्रेम में सिद्ध नहीं हुए हैं। तो अगर आप कोई भी विश्वासी को देखें या अगर आप खुद कुछ चीज को लेके डर रहे हैं कि भविष्य का क्या होगा, पैसे का क्या होगा, इधर का क्या होगा, उधर का क्या होगा, आगे क्या होगा, अगले साल क्या होगा, कुछ भी विषय को लेकर अगर आप चिंतित हैं, परेशान हैं और डर रहे हैं, मतलब परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि आप पिता के प्रेम में सिद्ध नहीं हुए। प्रेज गॉड। तो प्रेम में भय नहीं होता, सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, और जो लोग भय करते हैं वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुए हैं। प्रेज गॉड। वेरी पावरफुल वर्ड्स, इतना शक्तिशाली वचन है। आमेन। नाउ पॉइंट नंबर वन, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फादर्स लव विल नॉट ओनली मेक योर फेथ इफेक्टिव बट ऑल्सो मेक यू फियरलेस। पिता के प्रेम को समझने से न केवल आपका विश्वास प्रभावी होगा बल्कि आप निडर भी बनेंगे। इसीलिए देखिए हमें पिता के, और इसीलिए पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, वी आर जस्ट फॉलोइंग द होली स्पिरिट। मैं कुछ विषय को पवित्र आत्मा ने कहा कि ये पूरा महीना बाइबल स्टडी में हम पिता के प्रेम के एक एक पहलू को देखेंगे, और अगर पिता के प्रेम को अगर पढ़ने जाएं तो ये पूरा साल लग जाएगा। प्रेज गॉड। लेकिन हर बाइबल स्टडी को, मई महीने के बाइबल स्टडी को हम सीखेंगे कि पिता का प्रेम, उसके एक एक पहलू को देखेंगे, और आज एक पहलू मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे हम पिता के प्रेम को समझने लगेंगे वो आपके विश्वास को प्रभावी बना देगा। क्योंकि देखिए परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव, और आपका विश्वास परमेश्वर पर है, मतलब आपका विश्वास उस परमेश्वर पर है जो प्रेम है, ही इज लव। वो प्रेम पर आप विश्वास कर रहे हैं, तो मतलब जब एक व्यक्ति पिता के प्रेम को समझता है उसका विश्वास प्रभावी हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है, लेकिन और वो व्यक्ति निडर भी हो जाता है, ही बिकम्स फियरलेस। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। जो लोग डरते हैं वो इसीलिए डरते हैं, घबराते हैं, चिंतित होते हैं, एंग्शियस हैं, क्योंकि वो पिता के प्रेम में सिद्ध नहीं हुए। तो जब हम पिता के प्रेम को समझने लगेंगे, पिता के प्रेम को पर विश्वास करेंगे, उसके जानकारी में बढ़ने लगेंगे, तब वो हमें निडर बना देगा। प्रेज गॉड। इट विल मेक अस फियरलेस। क्योंकि बहुत से विश्वासी डरते हैं, दे वेरी स्कैर्ड। प्रेज गॉड। और हमें डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप विश्वासी हैं तो काहे का डर। प्रेज गॉड। सिद्ध प्रेम है को दूर कर देता है। प्रेज गॉड। इसलिए हमें पिता के प्रेम के एक एक पहलू को समझना है, वी मस्ट अंडरस्टैंड इट, और आज हम एक पहलू देखेंगे, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके नाउ इन कुछ वचनों को देखिए, परमेश्वर ने, देखिए परमेश्वर ने आदम से कहा कि आदम को और हव्वा से कहा कि एदन की वाटिका में बहुत से पेड़ हैं, सबसे तुम खा सकते हो, लेकिन एक पेड़ जिसका नाम बुरे और भले के ज्ञान का वृक्ष, वो पेड़ के फल को तुम कभी मत खाना, परमेश्वर ने कहा था। लेकिन शैतान ने लोगों को धोखा दिया, आदम और हव्वा को धोखा दिया, और उन्होंने उस फल को खा लिया। दे एट इट। परमेश्वर ने कहा था नहीं खाना है, लेकिन उन्होंने खा लिया। ओके। अभी परमेश्वर आ रहा है उनसे मिलने के लिए, और वो परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं, तो परमेश्वर उनके पास जाता है, और उत्पत्ति 3:11 में देखिए क्या हो रहा है।
हम सीख रहे हैं पिता के प्रेम के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिता का प्रेम, उसकी समझ अगर आप में बढ़ेगी तो आपके अंदर से हर प्रकार का डर गायब हो जाएगा, इट विल बी डिस्ट्रॉयड। आप किसी भी क्षेत्र को लेकर, किसी भी विषय में आप डरेंगे नहीं, पिता के प्रेम की समझ। तो उसने कहा, परमेश्वर ने आदम से कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे बरजा था, क्या तूने उसका फल खाया? ओके, नेक्स्ट वर्स, योहन उत्पत्ति 3:12, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। पति से पूछा कि क्यों किया ऐसा, तो पति ने कहा, मेरी गलती नहीं है, मेरी वाइफ की गलती है, और मेरी वाइफ की भी गलती नहीं है, आपने मुझे वाइफ दिया, ये आपकी गलती है। आप ही वॉज ब्लेमिंग गॉड, वो परमेश्वर पर दोष लगा रहे थे। प्रेज गॉड। सोच के देखिए, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने, तेरे वजह से हमने फल को खाया, परमेश्वर को बोल रहा है, क्योंकि जो लोग पिता के प्रेम को नहीं समझते वो ज्यादा करके उस पर इल्जाम लगाते हैं, और बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो पिता पर बहुत इल्जाम लगाते हैं। प्रेज गॉड, बहुत ज्यादा इल्जाम लगाते हैं, गलत इल्जाम, मानो विश्वासियों से परमेश्वर के ऊपर गलत इल्जामों की बारिश होती है। प्रेज गॉड, विश्वासी कई बार विश्वासी पिता परमेश्वर को छोड़ते नहीं है, हर बात का इल्जाम पिता के ऊपर लगाते हैं, और आदम ने भी वैसे ही किया। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। ओके, नाउ वर्स नंबर 13, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। आप सोच के देखिए क्या चल रहा है, परमेश्वर आदम से पूछ रहा है क्यों किया, आदम बोलता है पत्नी ने किया, पत्नी से पूछा क्यों किया, पति बोलता है सांप ने किया, वो पूरा ब्लेम घुमाते जा रहे हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि तूने क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तो मैंने खाया। प्रेज गॉड, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ओके, एनीवेज, वर्स नंबर 14, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है, तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। ओके, अभी आत्मिक क्षेत्र में प्रभु आ रहे हैं, और अब मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। प्रेज गॉड, वापस इस वचन को पढ़ेंगे, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। वो सांप शैतान से बातें कर रहा है, और यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, स्त्री मतलब हवा, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में पैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ओके, अभी ध्यान से देखिए, स्त्री का बीज नहीं होता है, जैसे वचन में यहां पर लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मैं शैतान तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में पैर उत्पन्न करूंगा। हम जानते हैं कि स्त्री का बीज नहीं होता, पुरुष का बीज होता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि स्त्री का बीज, अभी जो गलती आदम से हुआ है, इसको ध्यान से सुनिए, जो गलती आदम से हुआ है जिसके कारण पूरा मानव जाति फंस गया है, प्रेज गॉड, आदम और हवा ने जो गलती की उसके कारण पूरा मानव जाति फंस गया है, और परमेश्वर उस प्रॉब्लम से उनको निकालने के लिए एक सल्यूशन दे रहा है कि सुनो, स्त्री का बीज आएगा, मतलब वो यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं कि यीशु मसीह का जन्म शारीरिक संबंध से नहीं हुआ, यीशु मसीह का जन्म अलौकिक रीति से, परमेश्वर मेरी के पास आता है, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का जन्म होता है। प्रेज गॉड, हम सब आदम से आए हैं, लेकिन यीशु मसीह आदम से नहीं आया है,
इसीलिए यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा कि स्त्री का बीज नहीं होता, लेकिन स्त्री का बीज कहा, क्योंकि वो यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है। अभी मेरा पॉइंट ये है, बोलने के लिए बहुत कुछ है इसमें, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आदम और हव्वा ने एक गलती की, उन्होंने परमेश्वर ने जो फल उनसे कहा कि नहीं खाना है उसको उन्होंने खा लिया, और फिर वो प्रॉब्लम हुआ और परमेश्वर ने एक सलूशन दिया। परमेश्वर ने कहा कि स्त्री का बीज आएगा और शैतान तेरे सिर को कुचलेगा, मतलब जो काम तूने किया है उसको वो खत्म करेगा। इसीलिए योहन्ना की किताब में लिखा है कि मनुष्य परमेश्वर का पुत्र इसीलिए आया ताकि वो शैतान के काम को नाश कर सके। प्रेज गॉड, मतलब एक प्रॉब्लम हुआ परमेश्वर ने सलूशन दिया, एक प्रॉब्लम हुआ और परमेश्वर ने सलूशन दिया। ओके, और कई बार हमको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम होने के बाद सलूशन आया, मतलब अचानक परमेश्वर के पास सलूशन नहीं था और अचानक एक प्रॉब्लम हुआ कि आदम ने फल खा लिया और अभी प्रॉब्लम हो चुका है तब जाके परमेश्वर ने सलूशन दिया। प्रेज गॉड, लेकिन वैसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। Look at this point number two. The Father's provision is always before the need and before the mistake. जरूरत के पहले और गलती से पहले पिता का प्रावधान है। ये पिता के प्रेम का एक पहलू है। देखिए, आदम गलती करने से पहले, कई बार जब हम उस वचन को पढ़ते हैं, इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि पिता का एक पहलू, उसके प्रेम का एक पहलू है, वही हमारा मकसद है। आज हम क्या सीख रहे हैं, हम पिता के प्रेम का एक पहलू सीख रहे हैं, क्योंकि मेरा ये मैं चाहता हूं और पवित्र आत्मा ने मुझे ये कहा है कि हम पिता के प्रेम में मजबूत हों और एक एक पहलू को पढ़ेंगे और मजबूत होंगे। पिता के प्रेम की पहचान में अगर हम मजबूत हो जाए, हमें हमारे अंदर किसी बात का डर रहेगा नहीं। We will not be afraid of anything, क्योंकि सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। Praise God. तो Father's provision before the need and before the mistake, जरूरत के पहले और गलती से पहले पिता का प्रावधान। Praise God. पिता ने प्रावधान कब किया? गलती के बाद नहीं, जब जरूरत थी तब पिता ने प्रावधान नहीं किया। द फादर्स प्रोविजन डिडंट कम व्हेन देयर वाज अ नीड और व्हेन द मिस्टेक वाज मेड, दैट्स नॉट द टाइम द फादर प्रोवाइडेड। अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ें तो परमेश्वर ने गलती होने से पहले, जरूरत आने से पहले परमेश्वर ने प्रावधान इंतजाम कर दिया था। ये पिता का प्रेम है। दिस इज द आउटस्टैंडिंग लव ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। कुछ लोग उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि देखो आदम ने गलती कर दिया, अभी क्या करेंगे, गलती हो गई, इस गलती को कैसे सुधारेंगे। गलती के बाद परमेश्वर ने कहा कि स्त्री का बीज आएगा, मतलब परमेश्वर का प्रावधान गलती के बाद हुआ। परमेश्वर ने प्रयोजन जरूरत होने के बाद की नहीं। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, ये वो पहलू है। द फादर्स प्रोविजन इज बिफोर द नीड, इट्स बिफोर द मिस्टेक। जरूरत के पहले पिता का प्रावधान तैयार था, गलती होने से पहले पिता का प्रावधान तैयार था। प्रेज गॉड। इस वचन को ध्यान से देखिए, प्रकाशित वाक्य 13 उसके 8 में कुछ अद्भुत चीज लिखा है, वेरी ब्यूटिफुल। उसमें लिखा है, और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, वो मेमना जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है और उस पशु की पूजा करेंगे। वेरी वेरी पावरफुल इंफॉर्मेशन, बहुत शक्तिशाली जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह, उसको जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। मतलब आदम, आप सोचिए, जगत बनाने से पहले यीशु मसीह को घात कर दिया गया। एदन की वाटिका बनाने से पहले यीशु मसीह का घात किया गया। आदम को बनाने से पहले यीशु मसीह का घात किया गया। आदम का फल खाने से पहले यीशु मसीह का घात किया गया। प्रेज गॉड। क्या मैं आपको बोल रहा हूं कि गलती होने के बाद, चलो आदम ने भी, परमेश्वर देख रहा है
आदम ने फल खा लिया और परमेश्वर सोच रहा अभी क्या करेंगे, फल खा के बैठ गया अभी इसको क्या करेंगे, अभी इसने फल खा लिया है अभी, और सब पूरा हेवन में कॉन्फ्रेंस चल रहा है क्या करेंगे, इसको बोला था फल नहीं खाने का, खा लिया, क्या करेंगे इसके साथ अभी। जरूरत आने पर परमेश्वर ने प्रावधान नहीं दिया, गलती होने पर परमेश्वर ने इंतजाम नहीं किया, परमेश्वर ने पहले प्राप्त। इसमें लिखा है कि जगत की उत्पत्ति के समय से, जगत की उत्पत्ति के पहले से यीशु मसीह दात हुआ, मतलब वो स्त्री का बीज जो परमेश्वर ने कहा कि वो आएगा वो जगत की उत्पत्ति से दिया गया है, मतलब गलती होने से पहले, जरूरत पड़ने से पहले परमेश्वर ने पहले से ही प्रावधान कर दिया था। दैट इज व्हाट आई वांट यू टू सी। मैं आपको बोल रहा हूं कि आदम ने गलती किया तब जाके परमेश्वर ने यीशु मसीह को, यीशु मसीह का घात क्रूस पर चढ़ाया, क्रूसित किया, तब नहीं हुआ। जगत की उत्पत्ति के समय से, जगत की उत्पत्ति के पहले से यीशु मसीह का घात हुआ, मतलब हाँ, प्रॉब्लम आने से पहले सोल्यूशन तैयार था, गलती होने से पहले इंतजाम तैयार था, गलती होने के बाद प्रभु बैठ के नहीं सोच रहे कि इसको क्या करेंगे यार, ये तो परेशान कर दिया हमको। इसीलिए देखिए इस पॉइंट को वापस देखिए, वेरी पावरफुल। सेकेंड पॉइंट, द फादर्स प्रोविजन बिफोर द नीड, नॉट आफ्टर द नीड। द फादर्स प्रोविजन बिफोर द मिस्टेक, जरूरत के पहले और गलती करने से पहले पिता का प्रावधान था। ये पिता के प्रेम को दर्शाता, दिस इज लव, ये पिता का प्रेम है। प्रेस और पिता का प्रेम है कि आदम की गलती होने से पहले मेमने का घात संसार की उत्पत्ति से हुआ। प्रेस गॉड, आदम ने जब गलती की उसके लिए छुटकारे की जरूरत थी, वो छुटकारा गलती करने के बाद प्रभु ने नहीं सोचा कि इसका छुटकारा कैसे करेंगे। पृथ्वी का नींव रखने से पहले, एदन की वाटिका बनाने से पहले, आदम को रचने से पहले, आदम को वो आदम का वो फल खाने से पहले, पृथ्वी के नींव से पहले परमेश्वर ने अपने मेमने का घात किया, क्रूसित कर दिया। प्रेस आत्मिक क्षेत्र में मैं आपको बोल रहा हूं कि परेशानी आने से पहले सोल्यूशन तैयार है, जरूरत पड़ने से पहले प्रावधान तैयार है। ये पिता का प्रेम है, केवल एक अच्छा पिता ऐसा कर सकता है और केवल एक प्रेमी पिता ऐसा कर सकता है। प्रेज गॉड, ही इज अ गॉड ऑफ लव। प्रेज गॉड, द फादर्स प्रोविजन बिफोर द नीड एंड बिफोर द मिस्टेक, जरूरत के पहले और गलती से पहले पिता का प्रावधान तैयार है। ओके, नंबर थ्री, बिफोर अ चैलेंज कम्स और अ नीड अराइजेस, द फादर्स प्रोविजन इज ऑलवेज रेडी, नथिंग सरप्राइजेस हिम। इससे पहले कि कोई चुनौती, अभी सोचिए आपके पर्सनल लेवल पर सोचिए, इसके पहले कि आपके जीवन में कोई चुनौती आए या कोई आवश्यकता आए, जरूरत आए, पिता का प्रावधान हमेशा तैयार रहता है। प्रेज गॉड, अगर आपके जीवन में कोई चुनौती आए और आप हैरान हो गए और आप परेशान हो गए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि पिता परेशान हो गया, पिता हैरान हो गया। कोई भी चीज उसको आश्चर्य नहीं करता, कोई भी चीज उसको सरप्राइज नहीं करता, कोई भी चीज उसको हिला नहीं सकता। ही इज वेल प्लान, ही इज वेल प्लान। प्रेज, आप जानते हैं मैंने आपको कलिशिया में एक चीज कहा, कलिशिया अगर आपने मिस किया है, मिस तो नहीं करना चाहिए पहली बात, लेकिन अगर मिस किया है तो मैंने कुछ कहा कलिशिया में, मैंने कहा कि ये बहुत जरूरी है, ये चुनाव जो है, प्रेज गॉड, ये जो चॉइस प्रभु ने हमें, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और परमेश्वर ने उन्हें चुनाव दिया, परमेश्वर ने रोबोट नहीं बनाया, परमेश्वर ने उन्हें चुनाव दिया, प्रभु ने उनको चुनाव दिया। जो परमेश्वर ने इंसान को सबसे बड़ा वरदान जो दिया है वो है चुनने की शक्ति, कि आप चुनाव कर सकते हैं, आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते, आपका चुनाव है। कोई जबरदस्ती नहीं करता, परमेश्वर कभी किसी के जबरदस्ती नहीं करता और हमें कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहिए किसी भी क्षेत्र में, वो कलीसिया आने के विषय में हो, दशवांश देने के विषय में हो, या किसी भी, हमें हमेशा लोगों के चुनाव का आदर करना चाहिए। वी मस्ट रेस्पेक्ट पीपल्स चॉइस। प्रेज गॉड, ये बहुत जरूरी है, वी मस्ट रेस्पेक्ट पीपल्स चॉइस। और परमेश्वर ने आदम और हवा को चुनाव करने की शक्ति दी, और जब आप किसी को चुनाव करने की शक्ति देते हैं, ये बहुत, मतलब ये इसमें प्रॉब्लम भी हो सकता है क्योंकि वो आपके विरुद्ध चुनाव कर सकते हैं, जैसे आदम और हवा ने किया।
तो परमेश्वर ने जब आदम और हवा को चुनाव करने की शक्ति दी, परमेश्वर ये जानता है कि वो फल नहीं खा सकते हैं या फिर वो फल खा भी सकते हैं, और अगर खा लिया, गलती हो गई, तो वो सब जो परमेश्वर के मन में चल रहा है, वो सब चीजों को आजाद करने से पहले परमेश्वर ने सल्यूशन को तैयार कर दिया। प्रेज गॉड, गॉड इज ऑसम, परमेश्वर अद्भुत है। प्रेज, और मैं आपको बोल रहा हूं, आपके जीवन में कोई भी चुनौती आने से पहले, कोई भी आवश्यकता आने से पहले पिता का प्रावधान तैयार है, अगर आप उसके ऊपर भरोसा करें। इट इज ऑलवेज, इट्स ऑल प्लान। ऐसा कुछ नहीं है जो आपके जीवन में होगा या होने वाला है जिसे पिता गए, अरे ये कैसा होगा। जब आदम ने फल खाया, पिता कुर्सी से गिरने गया, यार भी क्या करेंगे। जब कोरोना आया या पैंडेमिक आया, परमेश्वर पूरा एकदम, परमेश्वर इतना परेशान नहीं हो गया कि ओ माय गुडनेस क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे। एक तरीका परमेश्वर ने हमें बताया, और कई कोरोना आने से काफी पहले हम प्रॉस्पेरिटी के बारे में सीख रहे हैं, और हमको कोई आइडिया नहीं था कि ये चीजें आने वाली हैं, आर्थिक तंगी और आर्थिक अकाल आने वाला है, हमको पता नहीं। हम सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, परमेश्वर ने कहा प्रॉस्पेरिटी को सिखाओ, प्रॉस्पेरिटी को सिखा रहे हैं, और मैंने मैंने आपसे कहा है कि इस पैंडेमिक में हम सिर्फ ऊपर गए हैं, ओनली अप, क्योंकि काफी समय से हम तैयारी कर रहे थे। प्रेज गॉड, क्योंकि सब कुछ तैयार है। परमेश्वर परेशानी आने से पहले, जरूरत आने से पहले पिता का प्रावधान तैयार है। इसको सोच के देखिए, आदम गलती करने से पहले मेमना को वध कर दिया गया है। प्रेज गॉड, सिर्फ एक प्रेमी परमेश्वर कर सकता है। प्रेज गॉड, इसीलिए आपका पिता आपसे बहुत प्रेम करता है। आपके जीवन में कोई भी चुनौती हो या कोई भी जरूरत हो, वो आने से पहले पिता ने उसे संभाला है। He has taken care of it, क्योंकि वो आपसे प्रेम, He loves you, वो आपसे प्रेम करता है। Praise God, आपके लिए आगे जाकर उसने चीजों को तैयार किया है। उसको कोई भी चीज आश्चर्य अचंभा नहीं करता है। वो ऐसा नहीं बोलता, अरे ये कहां से आया, अरे ये कब हुआ, ऐसा कुछ नहीं। उसको कुछ सरप्राइज नहीं करता है, उसकी आंखों से कुछ चीज छुपता नहीं है। Praise God. Okay. So before a challenge comes or a need arises, the father's provision is always ready. Nothing surprises him. इसीलिए पहले की कोई चुनौती आए या कोई आवश्यकता आए, पिता का प्रावधान हमेशा तैयार रहता है, कुछ भी उसे आश्चर्य नहीं करता। और मैं आपको बोल रहा हूं कि पिता के प्रेम की समझ में हम बढ़े, क्योंकि जैसे जैसे पिता के प्रेम की समझ में आप बढ़ेंगे, आप किसी भी बात से आप डरेंगे नहीं, क्योंकि सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। जो लोग डरते हैं वो इसीलिए डरते हैं क्योंकि पिता के प्रेम में वो सिद्ध नहीं हुए हैं। प्रेज़ गॉड। ओके, सो बिफोर अ चैलेंज कम्स और अ नीड अराइजेस, द फादर्स प्रोविजन इज ऑलवेज रेडी, नथिंग सरप्राइजेस हिम। इससे पहले कि कोई चुनौती आए या कोई आवश्यकता आए, पिता का प्रावधान हमेशा तैयार रहता है, कुछ भी उसे आश्चर्य नहीं करता। अभी दो एग्जाम्पल्स हैं, इसको ध्यान से देखिए। ओके, नंबर वन यूसुफ के बारे में है। जेनेसिस 50, उत्पत्ति 50 उसके 19 में लिखा है, यूसुफ ने उनसे कहा, उसके भाई लोग आके यूसुफ के सामने आके गिड़गिड़ा रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसको बेचा 20 सिक्कों के लिए। और तो वो अभी यूसुफ बहुत बड़ा आदमी बन गया है, प्रधानमंत्री बन गया है, सबसे शक्तिशाली देश, और ये लोग सोच रहे हैं कि अभी इतना शक्तिशाली है, ये अभी हमको छोड़ेगा नहीं। तो वहां करके यूसुफ से माफी मांग रहे हैं। तब यूसुफ ने उनसे कहा कि मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं। वाह, अमेजिंग। प्रेज गॉड। ओके, वर्स नंबर 20, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वह ऐसा करें, जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। अभी अभी क्या मैं यूसुफ की स्टोरी से आपको बताना चाहता हूँ, देखिए इसको ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए और उस पर मनन कीजिए। आप जानते हैं कि मिस्र देश में, पूरी दुनिया में उस समय अकाल आने वाली थी। जब यूसुफ को दर्शन मिला कि अकाल आने वाला है, 7 साल बहुतायत होगा, फिर 7 साल ऐसा अकाल होगा जो कभी किसी ने देखा नहीं है।
आप जानते हैं वो अकाल आने से पहले कि देखिए परमेश्वर के लोगों के ऊपर एक परेशानी आने वाली है, परमेश्वर के लोगों के ऊपर एक जरूरत आने वाली है, परमेश्वर के लोगों के जीवन में एक चुनौती आने वाली है, लेकिन वो आने से पहले परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। क्यों? ताकि वो अगर हमारा एक व्यक्ति प्रधानमंत्री रहे तो वो हमारे लोगों की वो परवाह करेगा, वो केयर करेगा, मतलब चुनौती आने से पहले, जरूरत आने से पहले परमेश्वर ने प्रावधान दे दिया। प्रेज गॉड, ताकि वो जो फूड सप्लाई को जो व्यक्ति कंट्रोल कर रहा था वो अपने परिवार का ही व्यक्ति था। प्रेज गॉड, क्या आप देख पा रहे हैं कि परमेश्वर जानता है कि अकाल आने वाला है, परमेश्वर जानता है कि वो अकाल अगर आएगा तो इज़राइल जो परमेश्वर के लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा तकलीफ का कारण हो सकता है, इसीलिए वो परेशानी आने से पहले परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र देश में बहुत अद्भुत रीति से लेकर गया और अद्भुत रीति से मिस्र देश का प्रधानमंत्री उसे बना दिया। मतलब परेशानी आने से पहले परमेश्वर का प्रावधान तैयार था। प्रेज गॉड, जब वो भाई लोग अकाल के कारण मिस्र देश में आए और वो सोच रहे हैं कि ये लोग हमको खाना देंगे कि नहीं देंगे, और जब आते हैं वो देखते कि अरे अपना ही भाई बैठा है वहां पे। प्रेज गॉड, परेशानी आने से पहले, प्रेज गॉड, चुनौती आने से पहले परमेश्वर का प्रावधान तैयार है। गॉड इज ऑसम, परमेश्वर 1,000 कदम आगे है, ही नोज एवरीथिंग, वो जानता है क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला, और परमेश्वर प्रावधान कर रहा है, सब कुछ तैयार है। प्रेज गॉड, अकाल आने से, वही मैं आपको बता रहा हूं, आदम की गलती होने से पहले मेमना वध किया गया, पूरे दुनिया में अकाल आने से पहले, पूरे दुनिया में अकाल आने से पहले परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। दिस इज ब्यूटीफुल। एक और एग्जांपल देखिए एस्तर के विषय में, ओके, एस्तर 4:13 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है हमान। अगर आप उसके पूरे किताब को अगर आप पढ़ेंगे, यूट्यूब में एक मूवी भी है इस तरह के विषय में, काफी अच्छा है। हमान करके एक व्यक्ति है जो अगगाइट है, उसने फैसला किया था कि मैं इज़राइल यहूदी लोगों को बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं, इनको एक एक यहूदी भी बचा नहीं रहेगा, उसने वो ठान कर रखा था। उसने कहा था कि मैं इन यहूदियों को छोड़ूंगा नहीं, सबके सबको मार दूंगा, ठीक है। वो सोच लेकर के वो राजा के पास आने वाला है, ओके। अभी एस्तर 4:13 में लिखा है, तब मोर्देकाई ने एस्तर के पास ये कहला भेजा कि तू मन ही मन ये विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, ओके, वर्स नंबर 14, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी, फिर क्या जाने, इस आखिरी स्टेटमेंट को देखिए, फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। आप जानते हैं, देखिए हमान सीन में आने से पहले, हमान जो इसराइलियों का विरोधी था, उसका उसका लक्ष्य था कि हर एक यहूदी को खत्म करना है। वो राजा के पास आने से पहले, प्रेज गॉड, इसराइलियों के लिए परेशानी आने से पहले परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने एस्तर को, राजा एस्तर जो एक यहूदी है उसको राजा के सामने फेवर दिया और राजा ने एस्तर का चुनाव किया और एस्तर को रानी बना दिया। मतलब हमान राजा के पास ये लेकर आने से पहले, प्रेज गॉड, कि सब यहूदी को खत्म कर दो, परमेश्वर ने अपना सल्यूशन पहले से वहां पर बैठा कर रखा था, ताकि फिर एस्तर के द्वारा, आप जानते हैं अगर आप आगे पढ़ेंगे तो एस्तर के द्वारा राजा ने यहूदियों को ऐसा शक्ति दिया कि हमान की गलत योजनाएं यहूदियों के खिलाफ सफल नहीं हुई। अभी मेरा बोलने का मतलब ये है कि परेशानी आने से पहले परमेश्वर ने एस्तर को रानी बना के वहां पर खड़ा कर दिया। प्रेज गॉड, यहूदियों पर परेशानी आने वाला था, यहूदियों पर बहुत बड़ी संकट आने वाली थी, लेकिन वो आने से पहले परमेश्वर ने एस्तर नामक एक यहूदियों पर एहसान करके उसे राजा की पत्नी बना दी, रानी बना दी। प्रेज गॉड, क्यों परमेश्वर ऐसा कर रहा है? क्योंकि ये पिता का बड़ा प्रेम है कि परेशानी आने से पहले, मुसीबत आने से पहले, जरूरत आने से पहले परमेश्वर का प्रावधान तैयार है। आदम का फल खाने से पहले मेमना संसार की उत्पत्ति से वध किया गया है। प्रेज
Praise God. God's provision is always ready. Praise God. Okay. So number four, if you make a mistake, the Father has already made forgiveness available by the blood of Jesus Christ. यदि आप कोई गलती करते हैं तो पिता ने पहले ही यीशु मसीह के लहू से क्षमा उपलब्ध करा दी है. Praise God. यीशु मसीह के लहू के द्वारा यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, यीशु मसीह हमारे लिए गाड़े गए, यीशु मसीह हमारे लिए तीसरे दिन जी उठे. और ये 2020-2022 साल के पहले की बात है, जिस हमारा जन्म भी नहीं हुआ तभी. प्रेज गॉड. हमें से किसी का भी जन्म नहीं हुआ है, हमें से किसी ने भी कोई पाप नहीं किया. हमारे जन्म होने से पहले यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, हमारे पापों के लिए गाड़े गए, हमारे पापों के लिए तीसरे दिन वो जी उठे. प्रेज, मतलब आपका जन्म होने से पहले आपके पापों की क्षमा उपलब्ध है. वही मैं आपको बोल रहा हूँ. प्रेज गॉड. आपने कोई भी पाप करने से पहले, आपका जन्म होने से पहले, आपके मम्मी और डैडी का विवाह होने से पहले, यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्षमा उपलब्ध है आपके लिए. मतलब आप सोच के देखिए, आपकी गलती करने से पहले क्षमा उपलब्ध है. आदम की गलती करने से पहले मेमना वध किया गया है, आपकी और मेरी गलती करने से पहले क्षमा उपलब्ध है. प्रेज गॉड. क्यों? क्या ये इसीलिए है कि देखो क्षमा उपलब्ध है, अच्छे से पाप करेंगे? प्रेज गॉड, क्षमा उपलब्ध है, ये तो एकदम बहुत अच्छी खबर है. क्षमा पहले से उपलब्ध है तो दिल खोल के पाप करेंगे, अच्छे से पाप करेंगे, क्योंकि पहले से क्षमा उपलब्ध है. ऐसे लोग जो ये बात करते हैं कि क्षमा उपलब्ध है, आओ अच्छे से पाप करेंगे, ये पिता के प्रेम को समझते नहीं है, ये पिता के प्रेम का मजाक उड़ाते हैं. ये ऐसे विश्वासी हैं जो नहीं जानते कि पिता उनसे कितना प्रेम करता है, और ना यीशु मसीह के लहू और उसके प्रेम का कोई आदर सम्मान है. क्योंकि अगर एक व्यक्ति सच में समझता है कि पिता ने उससे कैसा प्रेम किया है, कि उसके जरूरत के पहले प्रावधान उपलब्ध है, उसके गलतियों के पहले प्रावधान उपलब्ध है, तो जब उस पिता के प्रेम को जब आप समझते हैं तो आप मौका नहीं ढूंढ रहे पाप करने का. आप यूसुफ की तरह बन जाते हैं जो पोतीफर की पत्नी से दूर भागता है, पाप से दूर भागता है. वो मौका नहीं ढूंढता है कि कहां पर मैं और ज्यादा पाप कर सकूं. प्रेज गॉड. हम मौका ढूंढते कैसे? हम पाप से दूर भागे क्योंकि पिता ने हमसे इतना प्रेम किया है. और पिता के प्रेम को जब आप समझते हैं, वो आपको एम्पावर करेगा कि आप एक पवित्र जीवन जी सके, क्योंकि पिता ने आपसे इतना प्रेम किया है. आपके पाप करने से पहले आपके लिए क्षमा उपलब्ध है. तो जब मैं गलती करता हूं, मैं परमेश्वर से कहता हूं कि प्रभु, मैंने जो किया वो गलत है, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं. और वो क्षमा जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा 2022 साल पहले उपलब्ध कराया गया है, उससे मैं ग्रहण करता हूं. और पवित्र आत्मा, आप मेरी सहायता करें कि प्रभु, मैं पाप ना करूं. प्रेज गॉड. जब पिता के प्रेम को आप समझते हैं, उसने पहले से आपके लिए क्षमा उपलब्ध कराया, इसलिए नहीं ताकि हम बहुत अच्छे से पाप करें, इसीलिए कि उस प्रेम को हम समझें जो पिता ने आपके लिए किया है, आपको दिखाया है, ताकि उस प्रेम के द्वारा हम एम्पावर हो जाएं. वी मस्ट बी एम्पावर्ड बाय दैट लव, पिता ने कितना मुझसे प्रेम किया है. प्रेज गॉड. आपके चुनौती से पहले आप प्रावधान तैयार हैं, जरूरत आने से पहले प्रावधान, क्योंकि वो एक अच्छा पिता है. वो एक गंदा पिता नहीं है. वो गंदा पिता क्या होता है? गंदा पिता सोचता नहीं है किसी के बारे में, चल अपना अपना देखो, ऐसा है पिता का. लेकिन एक अच्छा पिता वैसा नहीं है. अच्छा पिता बच्चों के बारे में सोचता है. प्रेज गॉड. और वो जानता है कि क्या जरूरत पड़ सकती है आगे, अगर गलती हो गई तो. वो अच्छा पिता प्रावधान तैयार रखता है, ही मेक्स इट ऑल रेडी, ताकि मेरे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. मेरे बच्चे मेरे साथ चलते रहे, मेरे बच्चे मेरी बुलाहट को पूरा करते रहे, वही उसका मकसद है. कि वो एक अच्छा पिता है. He is a good father. Praise God. अगर आपसे गलती हो जाए, अगर आप गलती करते हैं, ये गलती हो जाए आपसे, तो याद रखिए कि क्षमा उपलब्ध है. आपके अंगीकार करने से क्षमा उपलब्ध नहीं होता है. आपके अंगीकार करने से आपको वो मिलता है, लेकिन उपलब्ध है यीशु के लहू से. क्योंकि महिमा कभी भी हमें नहीं मिलेगी, महिमा हमेशा यीशु को मिलेगी, उसके लहू को मिलेगी. प्रेज गॉड. तो मैंने जब गलती की, मेरे मुंह से कुछ निकल गया, मैंने कुछ बोल दिया, गलती हो गई, तो मैं कहूंगा प्रभु, उस क्षमा को मैं स्वीकार करता हूं जो यीशु के लहू ने मेरे लिए 2022 साल पहले उपलब्ध कराया है.
और प्रभु आपके प्रेम की गहराई को आप मुझे समझाइए, ताकि आपके प्रेम के द्वारा मैं एक पवित्र जीवन जी सकूं, ये जानकर कि पिता ने मुझसे कैसा प्रेम किया है। प्रेज गॉड, गॉड इज वंडरफुल, आमेन। ओके, फाइनली दिस इज माय लास्ट पॉइंट, द फादर लव्स यू, नो हिज लव, ट्रस्ट हिज लव, कन्फेस हिज लव एंड रेस्ट। मुझे देख रहे हैं पिता आपसे प्रेम, he loves you, वो आपसे प्रेम करता है। बाजू वाले को छोड़ दीजिए, आपको, I'm talking to you, पिता आपसे प्रेम करता है, he loves you, praise God, और उसके प्रेम को जानना आपकी प्राथमिकता है, praise God। मैंने आज एक पहलू आपको बताया, just one, मैंने कहा कि हमारे जीवन में कोई भी जरूरत आने से पहले, कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले, हम जब गलती करने से पहले प्रावधान तैयार है, ये पिता के प्रेम का एक पहलू है। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आप हिल गए शायद, पिता हिला नहीं, उसने पहले से ये चीज को देख के रखा है, जानता, प्रावधान तैयार है, सब कुछ तैयार है। अगर आप घबराए नहीं, अगर आप उसकी तरफ देखें, उसके प्रेम पर विश्वास करें, उसके प्रेम का अंगीकार करें कि पिता मुझसे प्रेम करता, और उसके प्रेम पर आप विश्राम करें, आराम करें, तो पिता वो प्रावधान को आपके लिए आजाद कर देगा, और आसानी से आप उस परेशानी से, उस गड्ढे से आप निकल जाएंगे। प्रेज गॉड। किसी स्त्री ने कहा, जिसका नाम है कॉरी टेन बूम, उन्होंने एक कोट कहा जो मुझे बहुत पसंद है, उन्होंने कहा, देयर इज नो पिट सो डीप दैट ही इज नॉट डीपर स्टिल। उन्होंने कहा कि देखो, गड्ढा हो सकता है बहुत गहरा है, लेकिन मेरा परमेश्वर उस गड्ढे से भी और गहरा है। प्रेज गॉड, मतलब वो आपको आसानी से वहां पर से निकाल देगा। प्रेज गॉड। तो उसके प्रेम पर हमें विश्वास करना है, उसके प्रेम पर हमें कबूल, उसके प्रेम का कबूल करना है, उसके प्रेम पर विश्राम। जैसे आप बिस्तर पर, पूरे शरीर को आप बिस्तर के ऊपर दे देते हैं, यू ट्रस्ट द बेड, ऐसे उसके प्रेम पर आपको विश्राम करना है। प्रभु, मैं आपके प्रेम पर विश्वास करता हूं। इस्राएली लोग भूखे ना हो, इसलिए आपने यूसुफ को भेजा मिस्र देश में। प्रेज गॉड। इस्राएल लोगों को खत्म ना किया जाए, इसलिए एस्तर को आपने रानी बना दिया। प्रेज गॉड। पूरा मानव जाति तबाह ना हो जाए, यीशु मसीह को आपने वध किया, सृष्टि पूरे दुनिया के नींव रखने से पहले, तो आपने मेरे बारे में कितना कुछ सोचा होगा। इसलिए मैं आपके प्रेम पर भरोसा करता हूँ, मैं आपके प्रेम पर आराम करता हूँ, मैं आपके प्रेम को और जान रहा हूँ, आपके प्रेम को कबूल कर रहा हूँ, कि जब आप ऐसा करेंगे, आपका विश्वास उसके प्रेम पर बढ़ रहा है, और जब आपका विश्वास उसके प्रेम पर बढ़ेगा, आई बिलीव यू विल सी अमेजिंग थिंग्स। एक तो पहली बात, पूरा डर निकल जाएगा आपके जीवन से किसी बात का, क्योंकि आप जानते हैं कि भविष्य मेरा पिता ऑलरेडी भविष्य में है। प्रेज गॉड। वो ऑलरेडी है, तो मैं क्यों डरूं? पहले वो मुझसे प्रेम करता है, मेरे बारे में केवल अच्छा ही सोचता है, मेरे लिए सब प्रावधान करके रखा है, इसलिए कोई भी चुनौती आपको डरा नहीं सकती, कोई भी जरूरत आपको डरा नहीं सकता, क्योंकि आपके पिता ने प्रावधान कर दिया है एवरीथिंग, इसलिए आप सिर्फ उस पर भरोसा करें, अपने उसके विश्वास, उसके प्रेम पर विश्वास करें, उसके प्रेम को कबूल करें, उसके प्रेम पर विश्राम करें। He will do it. He will do everything. वो आपके पूरे लाइफ को घुमा देगा। Praise God. क्योंकि वो बहुत अच्छा है। He is a wonderful father. बहुत लोगों ने पिता को गलत नजरिए से दिखाया है, लेकिन पिता बहुत अच्छा है। He is a very good father. Praise God. और उसके प्रेम में हम माहिर होंगे। We will be experts and specialists. Praise God. पिता के प्रेम में किसी बात का डर नहीं होगा हमारे, क्योंकि हम अपने पिता को जानते हैं। Praise God. अगर परमेश्वर आपकी ओर है, तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? Praise God. आइए हम दुआ करेंगे. Let's pray. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु पिता के प्रेम हम में से हर एक व्यक्ति, जब हम आपके वचनों को पढ़ें, जैसे आज प्रभु आपने हमें ये प्रकाशन दिया कि पिता का प्रावधान, पिता का प्रयोजन, इंतजाम, हमारे जरूरत, हमारे गलतियों और चुनौतियों के काफी पहले से तैयार हैं, और केवल एक अच्छा पिता ऐसा कर सकता है।
प्रभु आपके प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं और हम आपसे मांगते हैं कि आपके प्रेम की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई को आप हमें बताइए, ताकि आपके प्रेम में हम नींव पकड़ कर मजबूत हो जाएं। हालेलुया। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमेन। आमेन।